हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये है व्लॉग नंबर 4 और ट्रैवलिंग डे 3। वेल, हम फाइनली लुधियाना से 4 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद पहुंच गए थे अमृतसर, और अमृतसर उतरने के बाद हमने जो देखा वो कुछ ऐसा सीन था जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। हाँ जी, जैसे आप टैक्सी से उतरोगे या ऑटो से उतरोगे तो आपको सबसे पहले ऐसा कुछ दिखेगा, और यहीं पास में आपको म्यूजियम भी है और यहीं पे जलियांवाला बाग जो है वो भी है। बट हम आगे गए, हमें पहले गोल्डन टेम्पल जाना था तो हम आगे गए, तो हमें पहले अम्बेडकर जी के स्टैचू दिखी, फिर हम आगे गए तो थोड़ी सोप्स वगैरह आपको दिखेंगे, बट ये सोप थोड़े कॉस्टली हैं, दिल्ली वालों के लिए स्पेशली कॉस्टली है। वेल, फिर हम आगे के गए कि अब गोल्डन टेम्पल आ जाएगा, बट ये नहीं, हमें आगे काफ़ी चलना था। तो हम चलने के बाद पहले स्टैचू ऑफ रंजीत सिंह हमने देखा, उसके बाद हम आगे गए तो जा ही रहे थे क्योंकि ये काफ़ी दूर से मैंने आपको अभी दिखाया है, बहुत ही चलना पड़ा था हमें स्टैचू रंजीत सिंह उसके बाद आया था। फिर यू कैन सी कि यहाँ पे जो वाइब्स है ना वो बहुत ही अच्छी थी, हिस्टोरिकल वाइब्स थी, और आपको एग्जैक्टली में ज़्यादातर पंजाबी आपको यहाँ पे दिखेंगे, वैसे आपको अदरवाइज हर जगह दिखेंगे, बट यू नो मिक्सअप दिखेंगे, मार्केट वगैरह लुधियाना में मुझे मिक्सअप लगे, बट यहाँ पे लगा कि आई एम इन पंजाब। जो हम सोचते ना पंजाब के बारे में, वैसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा था कि आई एम इन पंजाब नाउ, बिकॉज लुधियाना में इतना नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे फील हो रहा था कि आई एम इन पंजाब। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे शॉप्स हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया थोड़े कॉस्टली हैं। फिर हम आगे गए, हम बार बार खो भी रहे थे, हमारे रिश्तेदार आगे भाग रहे थे क्योंकि सब ने अपने फ़ोन निकाल लिए थे और वीडियो बना रहे थे, कोई फोटोज़ ले रहा था, तो इसमें सब कहीं पे रुक जा रहे थे, कहीं पे छूट रहे थे। फिर जब हम आगे गए तो ये कुछ हमें एक स्टैचू दिखा, जिस स्टैचू में बहुत सारे फेसेस बने थे, आई थिंक ये सारे फ्रीडम फाइटर के वो थे। फिर हमने फ़ोटोज़ लिए वहाँ पर 3-4। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमें एक मंदिर मिला, जो मुझे मुझे अब एक कहते ना आपको पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ से आपका लैंडमार्क है, तो आई थिंक ये लैंडमार्क मुझे लगा जहाँ से आपको अब एग्जैक्टली में गोल्डन टेम्पल स्टार्ट हो जाता है। ये एक शिव जी का मंदिर है, यहाँ से ये लास्ट वो था, यहाँ पे उसके शिव जी का मंदिर नहीं था, ये साई जी के शिव जी का मंदिर कह रही हूँ मैं, शनि देव का मंदिर था ये, हाँ मैं बोल रही थी, ये शनि देव जी का मंदिर था, और यहाँ से एग्जैक्टली में स्टार्ट होता है गोल्डन टेम्पल। ये जो सारी अब बाउंड्री दिख रही है ये सारी अब गोल्डन टेम्पल की तरफ हम आ गए थे, काफ़ी चलना पड़ा था जहाँ पे हमें ऑटो वाले ने छोड़ा था। उसके बाद हम जब आए तो ये था स्टार्ट, और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, और इस बात एक तो दिवाली का नेक्स्ट डे था तो भीड़ होगी, बट बहुत ही यू नो स्पेसियस था इसलिए थोड़ा कम भी लग रहा था, बट बहुत क्राउड था इसके अंदर। फिर हम आगे गए और दर्शन वाले बहुत सारे लोग थे, फिर सारे के सारे अब यू कैन सी ज़्यादातर लोग ना हाथ में अपने वीडियो बना रहे हैं, ये ज़्यादातर बाहर के हैं जो वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, जो पर्सनली वहाँ के हैं वो तो रोज़ आते जाते उनको तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, पर हम बाहर गए थे, हम तो कैप्चर करना था कि फिर पता नहीं हम कब आएँ। तो वेल, हम आगे गए तो यहाँ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, ज़्यादातर हर जगह पर आपको सेवा में लगे हुए लोग मिले, यहाँ भी जो है बॉल धो रहे हैं सारे, और आगे गए तो ये जूता घर है, जूता घर में आपको लोटस टेम्पल में जैसे बैग देते हैं, एक थैला देते हैं उसमें आपको जूते डालने होते, ऐसे यहाँ पर भी था, हमें एक थैला दिया गया था, उस थैले में हमने जूते वगैरह रखे, जूते रखने के बाद उसको हम फिर वापस जूता घर में दे देते हैं, और वो एक आपको एक चिट देते हैं, उस चिट को आप फिर रिटर्न लाकर दोगे तो आपको मिल जाएगा। ये हमारे रिश्तेदार है जो जूते निकाल करके बच्चे की डाल रहे थे, और एंजल को एक्चुअली हो गई थी, भूख लग गई थी तो उसको फीडर हमने दे दिया था। और फिर मैंने छोटे से एक क्लिप ली थी जूते घर के अंदर की, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है जूते घर का जो घर था उसके अंदर जो रख रखाव है, ये उसके अंदर का छोटा सा क्लिप है। फिर हम नहीं जूता उतार करके हम फिर दे करके फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक चीज़ देखी, सबके सर पे पल्लू था। फिर हम आगे गए, आगे जाने के बाद ये बहुत सारे लोग जो जा रहे थे वापस फिर अपना बैग लेते हैं और फिर जूता पहन कर वापस जाते हैं। वेल, फिर हम जब आगे गए तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि सारे के सारे लोग हाथ धो रहे थे। आपको एक टैप वगैरह मिलेगा, ये सारे ये तो बरस सहन था, यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे, बैठे भी थे, हमने भी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए क्योंकि हम नारे जो 4 लोग थे ना वो बार बार गायब होते हो रहे थे, मिल रहे थे, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा था, तो मुझे अच्छा सा टाइम भी मिल गया था वीडियो करने का। तो यहाँ पर हमें टैप मिला था जहाँ पर हाथ धोते सारे, तो मैंने भी हाथ धोए,
और सब ने जितने भी थे सब ने अपने हाथ धोए मुँह धोए, फिर हम आगे गए तो नीचे ना पानी का छोटा सा नाला जैसा बना हुआ था बट क्लीन वाटर था। उस वाटर में आप पैर डालोगे उसके बाद ही आगे जाओगे, मतलब जो रास्ता था ना रास्ते में नीचे से एक वो बना हुआ था जिसमें पानी के थे रखे हुए। फिर हम आगे गए तो डाउन स्टेयर जाने के बाद ना हमें गोल्डन टेम्पल का ये कुछ दिखता है, सीधे सामने आपको गोल्डन टेम्पल दिखेगा और साइड में ये एक उसारा हम बोलते हैं वो था, फिर आगे आंगन था, फिर बीच में पॉन्ड था और फिर गोल्डन टेम्पल था। फिर हमारे लोग सर चार जो हम टोटल गए थे चार तीन पाँच छः लोग थे टोटल, छः में हम बार बार खो रहे थे तो फिर हम उनकी वेट करने लगे कि वो सारे आएंगे, फिर सब जब मिल गए इकट्ठे हो गए फिर हम स्टार्ट किया हमने चलना। और ये हमारी सरदार है ये भी बार बार खो रही थी, ये कभी शॉपिंग के लिए चली जाती थी, कभी कहीं चली जाती थी, कभी आगे चली जाती थी, तो ऐसे मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं भी कहीं चली जा रही थी। फिर इस तरह से हम सारे इकट्ठे होते थे फिर हम इकट्ठे निकलते थे, फिर ये है एंजल और ये हूँ मैं, क्योंकि हमने सर पे दुपट्टा डाल लिया था। उसका बार बार हमें ना जैसे उतरता था कोई ना कोई टूक देता था, सर पे दुपट्टा रखो इवन बच्चे तक के सर पे दुपट्टा होना चाहिए। और ये एग्जैक्टली गोल्डन टेम्पल जो बीच में अगर कहा जाए तो पहले गोल्डन टेम्पल है, फिर पाउंड है, फिर उसारा है, फिर आंगन है, फिर उसारा है, फिर उसके बाद आपको एग्जिट एरिया है। तो फिर यहाँ पे जो पाउंड था उसमें सारे के सारे हाथ मुंह धो रहे थे और नहा भी रहे थे बहुत सारे लोग, तो आयरा ने भी बहुत एंजॉय करा, इवन एंजल ने भी बहुत एंजॉय करा क्योंकि कितने मज़े में है, पैर खूब वो करी थी। और आयरा को अगर हम छोड़ देते ना तो वो मतलब पूरा शाम इसी में लगा देती, उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो चाह रही थी कि हम वहाँ पे वो स्नान करें, बट हमने मतलब क्योंकि एक तो हम लेट हो जाएंगे, हमने कोई ड्रेस भी नहीं लिया था एक्स्ट्रा, और तो इसलिए हम वापस हमने उसको मना किया और हम फिर आगे गए। जब हम थोड़ा आगे गए तो यू नो ये हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो सेवा में लगे हुए थे और यहाँ पे सब पानी पीते थे, तो हमें प्यास सी लगी थी और वैसे भी हमारा मन था कि जब हम आए थे इन्जॉय करेंगे, तो हमने पानी पी और एंजल को भी पानी पिलाया और ये 6 मंथ की हो चुकी थी तो इसे पानी दिया। और ये पानी का टेस्ट ना सुनिए बिहार का टेस्ट था थोड़ा, बट फिर भी हमने पानी पिया और अच्छा था, अच्छा सा लगा ये ना। और उसके बाद हम आगे गए तो ये सब स्नान कर रहे थे जितने बॉयज़ थे उसी पानी में, और यहाँ पे लिखा हुआ था लंगर के लिए जाना है, तो इधर एक एरो देकर के रास्ता था, तो फिर हमने लंगर के लिए हम गए। वहाँ बहुत भीड़ थी, आपको प्लेट लेना पड़ता है, वो प्लेट देते हैं स्पून बाउल और प्लेट देंगे, फिर वो लेके लाइन से आप जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद हमने खाई थी, दाल था, रोटी थी, छोले थे और खीर, ये सारी चीज़ें हमने खाई। फिर उसके बाद सब अपना अपना प्लेट लेकर जैसे उठते हैं उसी टाइम क्लीन करने के लिए सब आ जाते हैं वाइपर लेकर, फिर उसको साफ़ करते हैं। फिर हमारे कुछ लोग क्योंकि उसमें नॉर्मली हम खो ही गए थे, दो मैं और मेरे रिश्तेदार एक साथ थी, फिर हैज जी और एक और जो रिश्तेदार रहे थे वो उनके साथ थे, पर हमने फ़ोन से बार बार कॉन्टेक्ट कर रहे थे। फिर हम बाहर निकले, फिर ये गोल्डन टेम्पल और ये जो आप देख रहे हैं ना ये लाइन, ये भीड़ है तक तक जाने की, तो हमने सोचा था कि हम जाते हैं तक तक पर नहीं जा पाते, इसलिए हमने वापस गो बैक टू होम का सोचा और फिर हम जाने लगे। फिर मुझे एक प्रैंक आया क्योंकि हैज जी बार बार गुम हो जाते थे, तो हम अलग मैं और आयरा अलग बैठ गए थे सारे पे, और हमारे सीधे सामने हैज जी बैठे हुए थे, बट उन्हें ना वो हमें सोच रहे थे कि हम आएंगे कब आएगी कब आएगी, और मैं उनके सामने ही बैठी हुई थी क्योंकि वो ना अपने में धुन में मगन थे। फिर थोड़ी देर के बाद और फिर हम सारे इकट्ठे हुए और फिर गोल्डन टेम्पल से एग्जिट हुए। एग्जिट वही था जहाँ से एंट्रेंस हमने ली थी, फिर वैसे ही सारा चीज़ था यू नो जहाँ पे हमने हाथ धोए थे एंड ऑल, सहन था हाथ धोए थे, फिर जूते वाला घर जो था वो था। तो मैंने सहन में क्या किया था, एंजल को थोड़ा देर के लिए खेलने के लिए छोड़ दिया था और हमने फिर छोटी सी क्लिप बना ली थी और बहुत तय लग रही थी। फिर उसके बाद हम आगे गए और अपने जूते मंगवाए, जूते फिर हमने पहना और उसके बाद हम जालियांवाला बाग गए, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप कमेंट करते हो तो प्लीज़ मेंशन योर नेम।